नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केसरगंज से भाजपा प्रत्याशी ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने बहराइच से हुजूरपुर पहुंचे। सूबे के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जिस उम्र में बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए उस उम्र में बच्चों को गाली देना सिखाई जा रही है। योगी ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की शहजादी जहरीले सांपों से खेल रही थी। आपने देखा होगा 55 साल में कांग्रेस ने जहरीले सांप ही दिए हैं, कोई आतंकवाद के नाम पर, कोई नक्सलवाद के नाम पर। कांग्रेस की शहजादी जहरीले सांपों से खेल रही थी। आपने देखा होगा 55 वर्षों में कांग्रेस ने देश को केवल जहरीले सांप ही दिए, कोई आतंकवाद के नाम पर, कोई नक्सलवाद के नाम पर, कोई अलगाववाद के नाम पर। 55 वर्षों से जहरीले सांप देश को डसते थे, लेकिन आज कांग्रेस की शहजादी को बता देने की आवश्यकता है। भारत माता की संतानें न तो गाली सहेंगी, न जहरीले सांपों के किसी डसने को सहेंगे, बल्कि जहरीले सांपों के फनों को कुचलने का कार्य भारत माता का एक एक संतान करेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में मतदान के बीच हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने बड़ा बयान दिया। विनय कटियार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गुंडागर्दी कर रही हैं और उनकी सरकार के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। बताते चले कि विनय कटियार पांचवें चरण में चल रहे मतदान के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अयोध्या के कटरा मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे थे, जहां पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कटियार ने यह बयान दिया है। मतदान करने के बाद मीडिया से बात करते हुए विनय कटियार ने दावा किया कि एक बार फिर से पूरे देश में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। वहीं राम मंदिर के सवाल पर विनय कटियार ने कहा कि मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है, हमारी प्राथमिकता में राम मंदिर का निर्माण है। जिस दिन न्यायालय का फैसला आ जाएगा उस दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। आपके विषय नहीं सुनाई नहीं दिया सर। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। हम, क्योंकि वोट देने वाले लोग हमारे पक्ष में हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। नहीं नहीं, कोर्ट के अंदर मामला है, कोर्ट से निर्णय होगा तो करेंगे। नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल का तो वहाँ ममता बनर्जी गुंडागर्दी करा रही है और वहाँ सब कब्जा करती है, बाकी कुछ है नहीं। यूपी के प्रतापगढ़ में मायावती गठबंधन प्रत्याशी अशोक त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। इसी के साथ ही मायावती ने मंच से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही जनसभा में लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ी। साथ ही इस मंच पर सपा और बसपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रतापगढ़ से बीजेपी की राह आसान होती नहीं दिख रही है। इस समय चुनावी सरगर्मियां तेज है। इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने शिवपुरी जिले के वार्ड नंबर 10 के फतेहपुर में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। वो कहा कि एमपी में 15 सालों से बीजेपी सरकार ने जनता के साथ सिर्फ झूठ बोला है। हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी की जनता का हर सुख दुख में साथ दिया है, चाहे महाराज देश में हो या विदेश में, लेकिन शिवपुरी की जनता चुनाव में ना जाने क्यों साथ नहीं देती। बेगूसराय में एक दरिंदे पति ने मामूली बात को लेकर अपनी पत्नी और दो बच्चों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। वहशी पति ने पहले तो अपनी पत्नी और दो बच्चों के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और जैसे ही पत्नी घर से भागने लगी, पीछे से माचिस की तिल्ली से आग लगा दी। इस घटना में एक बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी और एक बच्चे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना बीरपुर थाना क्षेत्र के मेदा बबनगामा गाँव की है। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी पति शैलेश कुमार फरार हो चुका था। घटना भेलैने जे पति जन्म लड़ाइ झगड़ हो गए, खाना बनवा गेलखिन, चूल्हामे पानि धऽ देलखिन, गरम गाड़ी केलखिन, मरम पेटी केलखिन, जाके गने चुपचाप जाके जने बच्चा लए कऽ जाके सुति रहलखिन, कुटुमा जाके तेल उझेल देलकै, उझेल देलकै कुटुमा तेल, बस जने ई बच्चा लए कऽ बस ओसरा पर भागि गेलखिन, तेल उझेल देलकै काठियो बरम पर देरी लगल, जब जाइ ओसरा पर एलखिन दू घर से भीतर अंदर बाहर निकलखिन, बच्चा लए कऽ काठियो गिर देलकै जे पर बारि। घर में भी आग लगी है? घर में तो बचा हुआ है, घर है पक्की के है, नहीं पक्की, तीनों जल गए। मुजफ्फरनगर के खातोली रेलवे स्टेशन पर देर रात एक पति पत्नी ने गोल्डन टेंपल ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची थाना खातोली कोतवाली पुलिस और जीआरपी के जवानों ने दोनों मृतकों की शिनाख्त कराई।
लगभग 4 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। पहचान कराने के बाद पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के हाथरस में तहसीलदार के पेशकार मुकुट बिहारी का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया है। पेशकार ने दाखिला खारिज कराने के नाम पर 1,000 रुपए की रिश्वत ली और रिश्वत न देने पर पीड़ित को कई महीनों से परेशान किया जा रहा था। पीड़ित ने पेशकार को सबक सिखाने के लिए रिश्वत लेते हुए एक वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। ये पूरा मामला हाथरस गेट सदर तहसील का है। जिस तहसीलदार के पेशकार हैं जिनकी अपने लिए तब वो कराई थी, वो का दाखिल खारिज 6 महीना से चक्कर लगवा रहे हैं। 500 रुपये पहले लिए 92 और 1500 रुपये अब बात हुई 1,000 रुपये ले लिए, लेकिन रोजाना चक्कर लगवा रहे हैं लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। ये वीडियो जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं ये जस्ट अभी मेरे संज्ञान में आया है, इसकी जाँच कराई गई और अगर इसमें कोई सतर्कता है या संबंधित कर्मचारी का एक वीडियो पाया जाता है मुरादाबाद के कोतवाली सदर के पार्कर इंटर कॉलेज रोड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब दो वाहन चालक आपस में भिड़ गए। एक यूटिलिटी वाहन चालक की दूसरे वाहन चालक से मामूली बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बिगड़ गई कि बीच सड़क पर मारपीट होने लगी। हंगामे के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जिस स्थान पर यह हंगामा हो रहा था उससे थोड़ी ही दूर पर पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मौके पर पहुंचकर बीच सड़क पर मारपीट कर रहे लोगों को नहीं पकड़ा और जाम खुलवाने का प्रयास नहीं किया। यूपी के बदायूं में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक परिवार के 2 मासूमों की मौत हो गई। जब परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो उनके घर में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बेगूसराय में अज्ञात युवक का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के RTO मैदान का है। शव मिलने के साथ ही लोगों में तरह तरह की चर्चाएं जोरों पर है। कोई कह रहा है कि मृतक विक्षिप्त था, भीख मांगकर खाना खाता था। कोई उसे परदेसी करार देते हुए बंगाली भाषा में बात करने की बात कर रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। सुमेरपुर उपखंड के नोवी में ग्राम पंचायत की लापरवाही के कारण गाँव में कई जगह नाली निर्माण नहीं है। ग्रामीणों ने कई बार गाँव पंचायत के सरपंच, विकास अधिकारी और उपखंड अधिकारी को भी अवगत कराया, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि नाली निर्माण नहीं होने से घरों का गंदा पानी घर के बाहर जमा हो जाता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। ग्राम पंचायत बोला कि बजट नहीं है, कई बार बोला कि खुद के पैसे से बनवा लो। अब खुद के पैसे से नाली तो बनती से नहीं है। बीमारियां तो क्या, पूरा मेरा घर टूट रहा है, बीमारियां तो बहुत सारी, घर भी टूट रहा है। किसको शिकायत की है क्या? बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक छात्र की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई। घटना FCI थाना क्षेत्र के बिहट की है। बताते चले कि बिहट वार्ड नंबर 17 मकसपुरा निवासी संजय सिंह कोचिंग से वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान वह हाईवे पर आया तो सामने से आ रहे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटना स्थल पर ही सौरभ कुमार की मौत हो गई। बाद में आक्रोशित लोगों ने घंटों NH 31 को जाम कर हंगामा किया। मौके पर पहुंचकर किसी तरह प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर जाम खाली करवाया। यूपी के मथुरा में अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन करते हुए JCB और ट्रैक्टर को जब्त किया है। पुलिस के अनुसार ये पूरा कार्य नगर पंचायत चेयरमैन की मिलीभगत से हो रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यूपी के बदायूं के वजीरगंज इलाके के पास एक रोडवेज बस ने बिसोली कोतवाली की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस हादसे में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही गाड़ी चालक पुलिसकर्मी सुधीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी के अंदर बैठे अन्य सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं SI सहदेव सिंह ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल में भर्ती घायल पुलिसकर्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है। खबर राजस्थान के डीडवाना से है। यहाँ मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला, जहां सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। क्षेत्र के मतदाताओं ने प्रतिनिधि को चुनने के लिए जमकर मतदान किया। वहीं बुजुर्ग मतदाताओं ने भी अपना जोश दिखाते हुए मतदान किया, लेकिन गर्मी का असर भी मतदाताओं पर देखा गया। गर्मी की वजह से दोपहर में मतदाताओं का जोश थोड़ा कम हो गया। वहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम मतदान केंद्रों पर किए गए। वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के बारे में एक विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान कृषि निदेशक कश्मीर सैयद अल्ताफ एजाज ने कर्मचारियों को सक्रिय करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, साथ ही अधिकारियों के किसानों के मार्गदर्शन करने के लिए उनको तकनीकी ज्ञान देने की बात कही।
उन्होंने अधिकारियों को सक्रिय फसल सीजन के दौरान प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपने कर्मचारियों और मशीनरी को तैयार करने का निर्देश दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नवतेज टीवी।